हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिम्पीज किचन आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं पालक पनीर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में टेस्टी पालक पनीर कैसे बनाएंगे आज हम आपको दिखाते हैं ये पालक है जिसको मैंने वॉश कर रखा है और इसकी डंडियां ज्यादा ना तोड़ें जिससे यह बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा क्योंकि इसमें भी हेल्दी होती हैं इसको तो वॉश करके हम कुकर में एक सीटी में बॉईल कर लेंगे पालक को मैं एक थोड़ा सा पानी डाल के आधा ग्लस या पानी डालूंगी उसके बाद इसको एक सीटी में बॉईल कर लेंगे और इसका जो पानी आए बेस्ट बचे नीचे से उसको फेंकिए नहीं उसको भी आप सब्जी में ऐड करेंगे क्योंकि उसमें बहुत पौष्टिकपन होता है उसी में सारे विटामिन होते हैं इसलिए मैं इसको एक सीटी में बॉईल कर लेती हूँ इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह पालक पनीर डिलीशियस बनता है पालक बॉईल हो चुका है एक मैंने इसको बॉईल करते समय हरी मिर्च डाली थी जो इसको स्पाइसी इस पन देगी अब मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ ये मेरा फाइन पेस्ट पालक का रेडी है अब मैं आपको फ्राई करके इसको बताती हूँ किस तरह पालक की डिलीशियस पालक पनीर की सब्जी बनेगी कम से कम इंडिग्रेंट्स में मैं निकाल लेती हूँ इस प्यूरी को पालक की प्यूरी बनकर रेडी है ये थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए ताकि आपका अच्छा पालक पनीर बने और जो इसमें पानी निकला है ये भी मैं इसी में यूज करूँगी और ये पनीर है 100 ग्राम हींग है इसको खुशबू देने के लिए लास्ट में गार्निश के लिए थोड़ी क्रीम है अगर आप चाहें तो डालें वरना ना डालें और ये बाकी मेरे जनरल स्पाइसेस हैं और दो चम्मच इसमें मेरा पैन गरम हो चुका है इसमें मैं देसी घी डालूंगी क्योंकि देसी घी में गैस को सिम करें देसी घी में ही ये अच्छा लगता है पालक पनीर देखिए खूब अच्छे से मेरा गरम हो चुका है बहुत अच्छे से मैं इसमें थोड़ा जीरा डालूंगी अब मैं इसमें खुशबू डालूंगी हिंग मैं इसमें पालक की प्यूरी डाल देती हूँ जो मिक्सी में मैंने उबला हुआ पालक और एक हरी मिर्च के साथ ग्राइंड करी हुई थी पालक खाने के बहुत फायदे हैं पालक में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है पालक खाने से बोन स्ट्रांग होती हैं और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है विटामिन सी विटामिन ए की मात्रा इसमें बहुत होती है इसलिए छोटों से लेके बड़े तक हमको खाना चाहिए इसको बड़े भगोने में निकाल लिए अपनी इसमें मैं हाफ़ टी स्पून रेड चिली और फुल टेबल स्पून कोरिएंडर डाल लेती हूँ इसमें हाफ टी स्पून से कम इसमें हल्दी डाल लेते हैं पिसी अब इसको हम चला लेते हैं अब इसमें मैं बचा हुआ जो पानी पालक का उबलने से बचा था एक कप के करीब इसमें हम डाल लेते हैं अब हम इसको चलाएंगे गैस को मीडियम पिक रखेंगे बॉयल आने तक इसको हम उबलने देंगे अब मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी अब हम इसमें मीडियम साइज के पनीर के क्यूब काटेंगे इसको हम इसमें ऐड करेंगे देखिए अपने हिसाब से आप क्यूब्स काटें थोड़ा सा पनीर मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है बचा के जिसको मैं लास्ट में ग्रेट करके उसमें गार्निश करूंगी बढ़ते बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हैं इसमें मौजूद कैल्शियम फॉस्फोरस बोन को स्ट्रॉन्ग करता है और ऑथराइटिस जैसी बीमारियों से भी बचा के रखता है ये विटामिन से भरपूर होता है और इसमें कई ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखते हैं मैं तो इसमें वन टेबल स्पून चाट मसाला डालती हूँ इस तरह की सब्जी को आप ज़रूर ट्राई करें बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी होती है अब मैं इसमें वन टेबल स्पून से कम नमक डाल देती हूँ अब इसको थोड़ा हिलाएंगे, ऊपर से नीचे चलाएंगे और इस तरह की सब्ज़ी जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ये विदाउट प्याज लहसुन के बिना टमाटर के बनी सब्ज़ी है इसको आप ज़रूर ट्राई करिए बहुत अच्छी बनती है और आपका बार बार बनाने का मन करेगा अब मेरी सब्जी बॉयल हो रही है देखिए अब मैं इसमें क्यूब्स ऐड कर देती हूँ पनीर के और इसको बस पाँच मिनट से भी कम दो तीन मिनट बस हम इसको खदकने देंगे उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे देखिए खदक रही है जिससे पनीर में भी सारे फ्लेवर मिल जाएँ आपस में और एक दो बार इसको चलाएँ आप अब मैं इसको आपको गार्निश करके दिखाती हूँ मेरी सब्जी रेडी है मलाईदार पालक पनीर की अब मैं इसको डोंगे में निकाल रही हूँ अब इसको हम क्रीम के साथ गार्निश करते हैं क्रीम इसमें ऊपर से अच्छी तरह डालें क्रीम के साथ मैंने इसको ग्रेट करे हुए पनीर से गार्निश किया है जो इसको और अच्छा टेस्टी बनाएगा अगर मलाईदार पालक पनीर की सब्जी आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें